आप सबको। तो आज है फ्राइडे और सुबह जल्दी उठ गई थी, जैसे मैं घर पे उठती हूँ मम्मी पापा से बहुत सारी बातें की, क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो मेरा तो 6 बजे का उठने का टाइम रहता है, कभी कभी 6:30 बजे भी उठती हूँ मैं। तो अभी चल रहा है सुबह का, अभी तक नहाया नहीं है लेकिन नहाऊँगी जल्दी, फिर नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी नहीं, लेकिन घर पर रहती हूँ तो बनाना पड़ता है, यहाँ पर कुछ तो पापा लेके आएंगे बाहर से ही। तो चलिए दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, पता नहीं अगर कुछ प्लान भी होगा तो मैं आपसे मतलब डिस्कस करूँगी, अपडेट करूँगी। और बहुत लोगों से मिलना है, मतलब लोगों से बोलने से बेटर कि बहुत दोस्तों से मिलना है, लेकिन किससे मिलूँ और किससे नहीं मिलूँ, मतलब जो रूटीन कुछ दिनों के लिए आई हूँ तो कैसे किससे किससे मिलना है, तो वो टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है, ऐसे लगता है इससे के लिए तो वो नाराज़ नहीं, अभी स्टेटस पे कुछ भी रखूँ तो फिर बोलते तू आइए यहाँ पे तो मिल करके, तो मुझे तो सबसे मिलने का मन कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे पॉसिबल होगा, मतलब घर वालों को भी टाइम देके जैसे पॉसिबल होगा वैसे मैं ट्राई करूँगी मिलना, लेट्स सी देखते हैं। अभी तक तो 2-3 दिन तो हूँ फिलहाल, अभी तक डिसाइड नहीं किया जाना कभी है, तो वो भी अपडेट हो ही जाएगा कब जाना है करके। कसलं भंगर पेढा आणलं दोघे आल्या पुढे पेढा आहे का तो लाडू आहे मला नाही आवडत माहित आहे ना लाडू चहा पेढा आणायचा कधी तू तुझ्या सासरी काय सासर वरून आलेला लाडू आहे पेकट पेढ्याचे देव द्या काही पल्लूला बुद्धी येऊ दे सगळे एकमेकांसाठी बुद्धी मागतात देतोय का नाही देव का माहिती बुद्धी लाडू तर दिलच नाही तू तो बोलला आवडत नाही कशाला आवडत तुझं ते काढले असं टेअर्स तुझे एवढे लावून आले काय करते किती माल मिळाले ग तुला पल्लवी किती मिळालाय कितने 5,000 दिले 5 लाख देना चाहिए रे वो दिन आएगा लेकिन तब तुझसे छूटेगा कि ये भी देख। तो आज मैं इन सबके लिए पनीर और आलू की टिक्की बनाने वाली हूँ, और भाई ने कढ़ी बोला था आज कढ़ी चावल खाने हैं तो वो कढ़ी बनाई है, तो उसको मेरे हाथ की पसंद है तो सोचा कि आज कढ़ी बना दूँ। और ये रहे चावल और ये टिक्की रेडी है, अब जस्ट एक फ्राई करना है उसको, तो ये तवे पर ही शैलो फ्राई होगा। तो ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका है, अब थोड़ी देर में परोस लूंगी। आता तू गप्प बसला ना की व्हिडिओ का सुरू झाला की बोल बाळा काय कर तू जे काय चिट्टीला मार दी ना बिचारीला मारू मारू अरे स्वतः उभी झाली फटली घाबरते तरी इतकी पंगल घेते वाशी अरे ती व्हिडिओ काढते अगं ट्विटी ठेव होती आलिशाची तिला बिचारल्या कशाला त्रास द्यायचा आवडत अशी बोल कशी आवड बेकार आहे दूध नाही पल्लवी का अगं तू मुद्दाम अशी करते अगं पण ते आलिशाची आहे ना तिला त्रास नको देऊ हे वय अच्छा हे ट्विटी बघून साक्षी पण वाटते मला बघ जरा नीट दाखव ती बघ साक्षी सारखी दिसती तो
तो अभी हम तीनों जन निकले हैं आइसक्रीम खाने के लिए, 10:15 बज चुके हैं और साथ में अब रास्ते में मेरी दोस्त को पिक करेंगे क्योंकि काफ़ी सालों से, साल बोल सकते हैं, साल से मिले नहीं है, तो अभी यहाँ आई हूँ तो सबसे मिलना ज़रूरी है, तो एक एक को मिलूंगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा, तो पहले उसको पिक करेंगे और फिर जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। शाम को मैं गई थी पल्लवी और मैं मार्केट कुछ सैंडल्स परचेस करने थी, लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो जैसे भी हुआ व्लॉग नहीं बना, लेकिन अभी बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। तो चले, कौन सी आइसक्रीम खानी है? बस इनको सिर्फ फालूदा ही खाना रहता है और कुछ नहीं। अभी एक खाके देख क्या खाओ, रिव्यू दू हाँ दे। आई दिले बाबा है नहीं, पन गरम असेल हिंदी मध्ये बोला। क्या तुम लोग हिंदी में शिफ्ट हो गए रे मराठी गए? कैसा है पुण्यासारखे? नाही पुण्याची मजा तो वेगळी नाही, खरं होतं का खोट? मजा करते चांगले। हाँ, ये फालूदा हम लोग बचपन से खा रहे हैं, मतलब स्कूल टाइम से खा रहे हैं, तो ये अभी भी वैसा ही है, वैसा ही टेस्ट है। और इसका जो क्वांटिटी है ये हमें, हम लोग ने स्पेशल नहीं मंगाया, रेगुलर मंगाया, लेकिन ऐसा लग रहा है ये स्पेशल है। बहुत अच्छा है और फ्रेंड के साथ कर रहे तो और भी अच्छा है, स्वीट और भी ज़्यादा स्वीट। और एक स्कूल फ्रेंड का जो बर्थडे पार्टी था वो अटेंड किया था मैंने, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल के दोस्त मिल गए थे, तो वहाँ के भी कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। और बहुत सालों के बाद सबसे मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये है मंगेश, मेरे स्कूल का दोस्त, अतुल मुझे याद है, रविंद्र मुझे तो पहचान नहीं होगा, क्यों हमारी तू ये निखिल, मतलब क्यूट क्यूट निखिल, हमारा क्यूट निखिल। ये है तुषार और ये है डॉक्टर निखिल। हाँ हो गया सर आपका, बहुत निकल।